चलिए स्टूडेंट्स पोस्टुलेट नंबर फिफ्थ देखते हैं। पोस्टुलेट नंबर फिफ्थ का स्टेटमेंट क्या है? पोस्टुलेट नंबर फिफ्थ का स्टेटमेंट, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द एंगल्स आर लेस देन टू राइट एंगल्स। तो जो स्टेटमेंट दी गई, स्टेटमेंट का क्या कहना है? इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, अगर कोई स्ट्रेट लाइन कोई दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल होती, कोई एक स्ट्रेट लाइन कोई दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल होती मतलब ऊपर से गिरती है, तो क्या होता है? मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टूगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। तो कह रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन गिर रही है टू लाइन पे, उसके एक ही साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम क्या होगा? लेस देन टू राइट एंगल्स। लेस देन टू राइट एंगल्स यानी कि राइट एंगल्स का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। टू राइट एंगल्स का मतलब 180 डिग्री, 90 प्लस 90 है ना। तो देखिए आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, पहले हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए जैसे कह रहा है डायग्राम बनाएंगे, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन। देखिए मान लीजिए दो स्ट्रेट लाइन हमने ले लिए, चलिए यहां ले लिया, ये मान लीजिए हमने एक स्ट्रेट लाइन ये ले ली और एक स्ट्रेट लाइन मान लीजिए हम ये ले ले रहे हैं, ये ले लिया हमने, ठीक है। अब यहां पे उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन यहां पे ऐसे फॉल होती है, फिर ले लेना चाहिए, ठीक। ये ठीक है। अब यहां देखिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, इफ आई स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, यहां पे देखिए एक स्ट्रेट लाइन को मान लेना चाहिए ए ले ले रहे और इसको ले ले रहे ए बी, इस वाली को ले ले रहे सी डी। अब इफ आई स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जो दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल होती है, हो रही है ना फॉल, ठीक। आगे फिर कह रहा है मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ, मेक द इंटीरियर एंगल, तो देखिए इंटीरियर एंगल बनेगा, इधर भी बनेगा, ये इंटीरियर एंगल इस साइड भी बनेगा, इस साइड भी बनेगा, यानी कि हमको इस वाली स्ट्रेट लाइन के जो फॉल हो रही है स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के किसी भी एक साइड, चाहे इस साइड ले लें चाहे उस साइड, तो हम इस साइड ले ले रहे हैं, ठीक है। ये वाला एंगल हम ले रहे हैं वन और ये वाला एंगल ले रहे हैं टू। तो स्टेटमेंट क्या कह रही है? इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग टू स्ट्रेट लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन ये वाली है इसके सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ये जिनकी बात हो रही है, सेम साइड ऑफ इट टेकन टूगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। तो ये जो दोनों राइट एंगल, ये दोनों एंगल्स जो आएंगे एंगल वन और एंगल टू, अगर इन दोनों का हम सम लेते हैं और ये दोनों एंगल जो है टू राइट एंगल्स से कम आते हैं, टू राइट एंगल्स का मतलब जैसे राइट एंगल्स तो आप जानते हैं राइट एंगल्स का मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल्स का मतलब 90 डिग्री, टू राइट एंगल्स का मतलब यानी 90 प्लस 90, टू राइट एंगल्स 90 प्लस 90 यानी 180 डिग्री, यानी कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस पे एक स्ट्रेट लाइन फॉल होती है और इस स्ट्रेट लाइन के एक साइड की बात हो रही है, किसी एक साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स बनेंगे अगर उनका सम यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 उनका सम टू राइट एंगल्स यानी 180 डिग्री से कम आता है, जो इस वाली स्ट्रेट लाइन के, इस वाली स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड में जो इंटीरियर एंगल्स बनेंगे उन एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री, टू राइट एंगल्स यानी 180 डिग्री से कम आता है तो क्या होता है? देखिए आगे, लेस देन टू राइट एंगल्स देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द एंगल्स आर लेस देन टू राइट एंगल्स। तो क्या कह रहा है कि अगर यहां पे देखिए ऐसा होता है, यानी जो इंटीरियर एंगल्स यहां पे बनते हैं इनका सम टू राइट एंगल्स यानी 180 डिग्री से कम आता है, तो अगर हम इन दोनों लाइंस को अगर इनडेफिनेटली हम प्रोड्यूस करेंगे, इन दोनों लाइंस को इनडेफिनेटली हम प्रोड्यूस करेंगे, तो कह रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों लाइनें ए बी और सी डी एक दूसरे को मीट करेंगी, कहीं ना कहीं मिलेंगी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, ये स्टेटमेंट जो दी गई है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, पोस्टुलेट नंबर 5 के अकॉर्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, इस पे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो इसमें कह रहा है देखिए, इफ अ लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, कोई लाइन, स्टेटमेंट आपको पढ़ लिया, आप यहाँ पे दिया गया है, अब आपको हम समझा दे रहे हैं क्या कह रहा है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल होती है, देखिए कोई दो स्ट्रेट लाइन ए बी और सी डी पे एक लाइन है एल, ये इस पे फॉल होती है, ठीक है, तो फॉल होती है, तो कह रहा है इस स्ट्रेट लाइन की एक ही साइड, तो एक ही साइड हमने इस साइड लिया है, आप किसी भी साइड ले सकते हैं चाहे इस साइड चाहे उस साइड, लेकिन एक साइड ही कह रहा है हमने इस स्ट्रेट लाइन के लेफ्ट साइड लिया है, लेफ्ट साइड में जो इंटीरियर एंगल्स बन रहा है वन और टू, अगर इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम टू राइट एंगल से कम आता है, टू राइट एंगल से यानी 180 डिग्री से कम आएगा इन दोनों का सम, तो ये दो दोनों लाइनें हैं उनको अगर हम प्रोड्यूस करेंगे इनडेफिनेटली, यहाँ पे देखिए इनडेफिनेटली इसे बढ़ा दे, इधर भी बढ़ा दे, इधर भी बढ़ा दे,
तो कहीं ना कहीं वो लाइनें एक दूसरे को मीट करेंगी, कहीं ना कहीं लाइनें एक दूसरे को मीट करेंगी। ठीक है, बस इतना सा कहना है इस पोस्टुलेट नंबर 5 का। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख देंगे ऐसे स्टेटमेंट लिख देंगे, ये जो हमने लिखा है इसको लिखना पड़ेगा आपको 180 डिग्री, ये डायग्राम ही बनाना पड़ेगा। दो स्ट्रेट लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन से फॉल करानी पड़ेगी, इंटीरियर इस स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स 1 और 2 आपको भी लेना पड़ेगा। फिर यहाँ कंडीशन भी दिखा दोगे एंगल 1 + एंगल 2 इज लेस देन 180, यानी इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 2 right angles यानी 180 से कम आएगा। तो हमें कहा इन दोनों स्ट्रेट लाइन्स को अगर हम बढ़ाएंगे, यहाँ देखिए इसको बढ़ाया गया, इसका बढ़ाया गया, तो जो दोनों को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को मीट करेंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट भी आप थोड़ा सा लिख दीजिए यहाँ पे। सो देखिए यहाँ पे 2 right angles जो आए हैं इनका जो इंटीरियर एंगल्स है इनका सम क्या आया, 2 right angles से कम आया, तो जब हमने इनको बढ़ाया तो देखिए ये मिल रही नहीं, मिल रही तो हम लिख देंगे सो लाइन्स ए बी एंड सी डी, सो लाइन्स ए बी एंड सी डी appear to meet। ठीक है, ये हो गया पोस्टुलेट नंबर 5, समझ में आया ना, कर लीजिए।